नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैसी फर्ग्यूसन के नए ट्रैक्टर MF7235DI के बारे में। दोस्तों, इस ट्रैक्टर को हमारे इंजीनियर्स ने खास तौर पर ट्रॉली के काम के लिए बनाया है। हमारे देश में 35 HP के ट्रैक्टरों का भरपूर प्रयोग होता है ट्रॉली के काम में, जिसमें कि हमारे जो ग्राहक होते हैं वो रेत, गिट्टी, बालू, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पानी के टैंकर इत्यादि ऐसे कई सारे कामों में इन ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या खास फीचर्स हमारे इंजीनियर्स ने इस ट्रैक्टर में डाले हैं जो हमारे ट्रॉली के ग्राहकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ट्रॉली के ग्राहक दो तरह के होते हैं। पहले वो जिनका आमदनी का जो जरिया होता है वो खेती से होता है। खाली समय में जब खेत में कोई काम नहीं होता है तो वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को ढुलाई में लगा देते हैं ताकि लोन की जो किस्त है, जो EMI है, उसको भरने में आसानी हो। दूसरे तरह के जो ग्राहक हैं वो हैं जिनके पास खेती नहीं होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है, और उनकी आमदनी का मुख्य जरिया जो होता है वो ट्रैक्टर और ट्रॉली होता है। ऐसे ही ग्राहकों के लिए हमने बनाया है मैसी फर्ग्यूसन 7235DI। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की। दोस्तों, इसमें लगा है 3 सिलेंडर वाला सिम्सन का 35 HP श्रेणी का इंजन, और आप सबको पता है कि सिम्सन इंजन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सिम्सन इंजन प्रसिद्ध है कम RPM यानी कम चक्कर पर ज़्यादा पावर यानी ज़्यादा टॉर्क पैदा करने के लिए, जिससे होती है डीजल की भरपूर बचत। अगर आप ट्रैक्टर को सिर्फ 6 महीने भी काम में लेते हैं और मैं आज के डीजल के रेट के हिसाब से हिसाब लगाऊं, तो ये ट्रैक्टर आपको साल का कम से कम 60,000 रुपये तक का डीजल में बचत करके देगा। और मैं जानता हूं कि हमारे ट्रॉली के ग्राहकों के लिए ये सेविंग कितनी महत्वपूर्ण है। इसकी अगली खास बात है इसकी लंबाई यानी कि व्हील बेस। इस ट्रैक्टर की जो लंबाई है वो है 1920 mm, जो अपनी श्रेणी में दूसरों के मुकाबले ज़्यादा है। ज़्यादा लंबाई मतलब ज़्यादा स्थिरता। ट्रॉली पर कितना भी वजन हो, ट्रैक्टर के सामने से उठने की आशंका बहुत कम हो जाती है, जिससे मिलती है सेफ्टी यानी कि सुरक्षा आपको और आपके ड्राइवर को भी। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है ज़मीन से इस ट्रैक्टर की ऊंचाई, जो है 400 mm। इस श्रेणी में इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का फ़ायदा यह है कि आप नदी के घाट से बाहर आ रहे हों या किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर ट्रॉली को लेके जा रहे हों, ये ट्रैक्टर कहीं फंसेगा नहीं और आसानी से बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की स्टाइलिंग की। इस ट्रैक्टर में हमने मैसी का प्रसिद्ध हेरिटेज ग्रिल दिया है, जिसे देश के कस्टमर बहुत पसंद करते हैं और ये मैसी की पहचान है। साथ ही इसमें बड़े स्क्वायर हेडलैम्प दिए हैं हेलोजन लैम्प के साथ। दोस्तों, कई बार ट्रॉली का काम रात में किया जाता है और उस वक्त ये बड़े स्क्वायर हेडलैम्प आपको भरपूर रोशनी देंगे ताकि आप सुरक्षित रूप से अपना काम कर सके। साथ ही इसमें 75 किलो का हैवी बम्पर दिया गया है और ये बम्पर कंपनी से फिट होकर आता है, जिसका मतलब होता है कि इसकी परफेक्ट फिट एंड फिनिश होती है। इसके अगर आप अगले हैवी ड्यूटी XL को देखेंगे तो ये XL बहुत ही मजबूत है और किसी भी तरीके के उबड़ खाबड़ रास्तों में जब आप ट्रॉली लेकर जाएंगे तो ये ब्रेकडाउन नहीं होगा और आप पूरे भरोसे के साथ इस ट्रैक्टर को चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर पर बैठ के आपको मिलता है बिल्कुल कार जैसा कंफर्ट। इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही मोटा और शानदार ग्रिप वाला है, और साथ में नए जमाने के कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें दिया है पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन भी। इस ट्रैक्टर का गियर बॉक्स 8x2 स्पीड वाला है, जिसमें आपको अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रोड स्पीड मिलती है। इसके गियर लीवर्स साइड में हैं, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म होता है बिल्कुल फ्लैट, कहीं कोई रुकावट या कहीं कोई अड़चन नहीं होती। इसके अगर मैं पेडल्स की बात करूं तो हमने इसमें दिए हैं पुश पेडल्स और साथ में डायाफ्राम क्लच भी दिया है। इस श्रेणी के ज़्यादातर ट्रैक्टर्स स्प्रिंग लोडेड होते हैं, जिसको दबाने के लिए आपके घुटनों पर बहुत ज़्यादा जोर आता है, लेकिन डायाफ्राम क्लच अन्य क्लच के मुकाबले प्रेस करने के लिए मात्र 50% ताकत लगती है, जिससे आपके घुटनों पर जोर कम होता है और आप ट्रॉली में ट्रैक्टर को 6 घंटे नहीं, 8 भी नहीं, 10 घंटे तक भी आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के अगले खास फीचर की, जो है पोर्टल टाइप बुल गियर रिडक्शन सिस्टम। आमतौर पर ट्रैक्टरों में साधारण बुल गियर रिडक्शन सिस्टम होता है, लेकिन इस ट्रैक्टर में पोर्टल टाइप बुल गियर रिडक्शन सिस्टम लगा है, जो कि ज़्यादातर डिफेंस यानी कि आर्मी की गाड़ियों में लगा होता है। उसके फायदे दो हैं। पहला, ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है, और दूसरा, जो रिडक्शन है वो बीच में होने की बजाय पहियों के पास होता है, जिससे ट्रैक्टर में ज़बरदस्त टॉर्क पैदा होता है
और किसी भी तरीके के हैवी ड्यूटी काम के लिए ये ट्रैक्टर हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, ट्रैक्टर और ट्रॉली को जो चीज़ जोड़ती है वो होती है हिच। मैसी 7235 में हिच लगाने वाला एरिया बिल्कुल फ्लैट है, जिसकी वजह से हिच हमेशा ट्रैक्टर से पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट में बनी रहती है और ड्राइवर की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ट्रॉली के कस्टमर की ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक से दो तरह की अपेक्षाएं होती है। पहला कि उसकी ट्रॉली जल्दी से जल्दी खाली हो, और दूसरा अगर कभी लोडेड ट्रॉली को हिचिंग करना हो तो ड्रॉबार उसकी ट्रॉली को आराम से उठा पाए। दोस्तों, 7235 में 25 LPM का हाइड्रोलिक पंप लगा है, जिससे ट्रॉली तेजी से डंप होती है और हमारा कस्टमर अगली ट्रिप के लिए जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है। दूसरा, इसके हाइड्रोलिक की लिफ्टिंग कैपेसिटी 1200 kgf है, यानी हैवी से हैवी ट्रॉली भी ड्रॉबार के द्वारा उठा के हिचिंग आसानी से की जा सकती है। दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से हमारे ट्रॉली के कस्टमर जिस एक फीचर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वो होता है ट्रैक्टर के ब्रेक्स। मैसी 7235 में हमने दिए हैं मैक्स OIB, यानी मैक्स डिस्क, मैक्स ऑयल और मैक्स कॉन्टेक्ट एरिया। मैक्स OIB का मतलब है तेल में डूबे हुए ब्रेक्स, जो आपको देते हैं 100% सुरक्षा की गारंटी और कम से कम मेंटेनेंस खर्च। मुझे पूरा भरोसा है कि 35 HP श्रेणी का MF7235 अपने सुरक्षा और आराम देने वाले फीचर्स की वजह से आपको बहुत पसंद आया होगा। इसकी अधिक जानकारी लेने के लिए हमारी डीलरशिप या वेबसाइट पर जाएं या फिर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।